हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 78 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही तीसरा लेक्चर बोल सकते हैं। तो आज इस वाले लेक्चर में पहले तो पुराने वाले लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी उसमें था कि गैसों का जो VRMS वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग है, वो आ गया था अपना √3P/ρ, और इसको अपन ने लिख दिया था √3 RT/mM0। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अभी भी हम वेग के बारे में ही बात करेंगे। तो गैसों का जो वेग होता है वो यादृच्छिक हम गति मान रहे थे, और हर कण का वेग अलग अलग होता है। अब इसमें कुल जो वेग यहाँ पर अभी हमने निकाला था वो वर्ग माध्य मूल वेग था, सबका वेगों का वर्ग किया, माध्य लिया, रूट लिया। अब मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम हम देख रहे हैं, तो मैक्सवेल के वेग वितरण के नियम के अनुसार क्या है कि गैस के कणों का वेग जो है वो हर तरह का है। यहां पे हम ले रहे हैं किसी एक वेग पर कणों की संख्या कितनी है, dN/dV से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहां पर मतलब यह है कि गैस के कणों का वेग एक निश्चित वेग वाले कणों के कण कितने हैं वो ये बताएगा, और इधर बताएगा कि उस वेग की वैल्यू क्या है। जैसे हम ये बोलें कि गैस 10 गैस के कणों का वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10, ठीक है, वेग कितना 100, ये 100 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट हो गया कि ये 100 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे ये 10 कण, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम देख रहे हैं। इसमें इसकी इक्वेशन पे हम नहीं जाएंगे, हमें इक्वेशन से मतलब नहीं है, हमें इसके ग्राफ से मतलब है। तो मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम कुछ इस तरह का रहता है, वेग का वितरण, गैस के कणों का वेग का वितरण कुछ इस तरह से रहता है। इसका मतलब यह है कि जब गैस के कण किसी भी रीजन के अंदर है तो बहुत कम वेग वाले कण भी होंगे, उससे ज्यादा वेग वाले कण भी होंगे, और ज्यादा वेग वाले कण भी होंगे। तो हर तरह के गैस के कण होते हैं किसी भी एक रीजन में, कम से कम वेग से लेकर ज्यादा से ज्यादा वेग वाले। लेकिन कम वेग वाले कणों की संख्या ज्यादा है, सॉरी कम है, एक निश्चित वेग पर कणों की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर गैस के कणों की संख्या कम होती जा रही है, वेग बढ़ रहा है, गैस के कणों की संख्या कम होती जा रही है। ये जो सबसे ज्यादा कणों की संख्या जिस वेग पर है इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम प्रायिक वेग। तो गैस के कणों का अधिकतम प्रायिक वेग इसको हम बोल रहे हैं। यह मूल है। अब इस अधिकतम प्रायिक वेग का जो मान है ये वैल्यू आती है √2 RT/mO। RMS कितना था, √3 RT/mO। ये RMS का मान था। अधिकतम प्रायिक वेग का मान कितना है, √2 RT/mO। इसके साथ साथ कुछ वेग और निकालते हैं कि अगर हम सभी के वेग का औसत निकालें, वर्ग माध्य मूल नहीं, औसत की बात कर रहा हूं, तो औसत वेग, वी एवरेज, तो सभी के कणों का औसत वेग अगर निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0। जीरो क्यों भाई, अगर हम किसी पात्र में गैस के सभी कणों के वेग का औसत निकाल रहे, वेग का औसत, चाल का औसत नहीं निकाल रहे, तो गैस के कण हर तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कुल मिला के गैस के कण सारे के सारे रहेंगे तो इस रीजन के अंदर, तो सभी का मिला के कुल विस्थापन हम कितना बोल सकते हैं, 0। और हम औसत बोल सकते हैं, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, विस्थापन ही नहीं हो रहा कुल मिला के सभी गैस के कणों का, तो इसलिए औसत वेग का मान 0 आता है। जो याद होगा अगर तुम्हें फॉर्मूला, तो वो औसत चाल का है। औसत चाल मतलब पहले मान फिर एवरेज, औसत चाल ये कैलकुलेट करें।
तो औसत चाल की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख दो, तो औसत चाल की वैल्यू आती है रूट एट आर टी बाय पाई एम नॉट। ठीक है, तो गैस के वेग को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरएमएस, वर्क किया माध्य लिया, रूट लिया, अधिकतम प्रायिक, मतलब सबसे ज्यादा कण जो गैस के जिस वेग वाले होंगे उसको अधिकतम प्रायिक वेग बोलते हैं। सबसे ज्यादा वेग नहीं, ऐसा वेग जिसपे सबसे ज्यादा कण है उसको अधिकतम प्रायिक बोलते हैं। फिर है औसत वेग, तो जीरो आएगा, औसत चाल, औसत चाल की वैल्यू ये आ गई कि सभी के कणों के चाल का औसत लिया, पहले के चाल निकाल ली प्लस दूसरे की चाल प्लस तीसरे की, सभी की चाल का औसत लिया, तो औसत चाल की वैल्यू आती है रूट एट आर टी बाई एम नॉट। तो हमारे पास ये तीन वेग हो गए। कंपेयर करें यहाँ पे ग्राफ में, तो ये है रूट टू आर टी बाई एम नॉट और ये है रूट थ्री आर टी बाई एम नॉट, इससे तो वो ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। तो ग्राफ में यहाँ पे आता वी आर एम एस, ठीक, एट बाई पाई, 8 बाई पाई, अगर ये नीचे वैल्यू को पाई को अपन 3 ले लें, 3.14 एक बार 3 ले लो, तो ये वैल्यू 2 से तो ज़्यादा है क्योंकि 6 होता तो आता 2, और 3 से कम है, 9 होता तो आता 3, पाई है तो भी 3.14 ले लो को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 और 3 के बीच में ही वैल्यू। ठीक है, अब रूट लगा हुआ है, ये रूट टू है और वो रूट थ्री है और ये रूट एट बाई पाई है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ये यहां कहीं आ रही है, एवरेज वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम प्रायिक वेग सबसे कम होता है, फिर औसत चाल उससे ज्यादा, आरएमएस वेग सबसे ज्यादा है, तो इनमें क्रम ये हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, एवरेज उससे ज्यादा, आरएमएस सबसे ज्यादा। रेशियो क्या है इनका, वो रेशियो यहां लिख रहा हूं एक बार के लिए कि मोस्ट प्रोबेबल रेशियो, एवरेज रेशियो, आरएमएस अनुपात इनका, तो अनुपात ये आ गया रूट टू, बाकी चीजें कॉमन है, एवरेज रूट एट बाई पाई, बाकी आर टी बाई एम नॉट कॉमन है, आर टी बाई एम नॉट कॉमन, रूट थ्री, तो ये इनका अनुपात है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम हो गया कि गैस के अंदर हर तरह के वेग वाले कण होते हैं, कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा, कम वाले, कम वेग वाले कण भी कम है, बहुत ज्यादा वेग वाले कण भी कम है, लेकिन बीच में वेग कणों की संख्या बढ़ रही है, जहां पे सबसे ज्यादा कण है उसको मोस्ट प्रोबेबल हम बोल रहे हैं। ठीक है, एवरेज सभी के कणों की चाल का औसत लिया तो वो एवरेज वैल्यू, ये रूट एटी बाई एट आर टी बाई एम नॉट, औसत आर एम एस लिया वो रूट थ्री आर टी बाई एम नॉट, ये अलग अलग वैल्यू इसके। ग्राफ को कंपेयर करें दूसरी अवस्था में, मतलब पात्र वही है, गैस के कणों की संख्या वही है, ताप अगर बढ़ा दे, ताप बढ़ा दे तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, ताप बढ़ा दे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये अधिकतम वाली वैल्यू कहां जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकतम वाली वैल्यू आगे शिफ्ट होगी, अब जरा देखना, आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है कि भाई आगे ऐसे शिफ्ट कर दूं, एक हो सकता है भाई आगे इसी लेवल में शिफ्ट कर दूं, एक हो सकता है कि भाई आगे शिफ्ट तो करना है लेकिन थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं इसको, मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम वेग जो था तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा वो तो हमको पता है, लेकिन ग्राफ जो है वो कैसे शिफ्ट होगा, क्या ग्राफ में ये अधिकतम वाली वैल्यू और ऊपर चली जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी कणों की, या उतनी की उतनी, कि अधिकतम वाले पहले 10 कण थे तो क्या अभी भी 10 है या 11 है या कम हो गए। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो यहां पर इस ग्राफ का एरिया जो है वो हमें बताता है कुल कणों की संख्या, गैस के कुल कणों की संख्या ग्राफ का एरिया बताएगा। ठीक, पात्र वही, तापमान बढ़ा दिया, गैस के कणों की संख्या वो की वही, वो की वही मतलब ग्राफ का एरिया वही आना चाहिए, अगर हम इसको ऊपर बढ़ा देते हैं तो ग्राफ का एरिया अपन ने तो बढ़ा दिया, ये तो इतना ही था, ये ज्यादा हो गया, ये तो नहीं होना है भाई, इसको तो हटाओ, एरिया बढ़ गया, एरिया उतना ही रखना है, एरिया उतना क्यों रखना है, गैस के कणों की संख्या उतनी है, ये भी नहीं है क्योंकि इसकी तुलना में तो इसका एरिया ज्यादा ही हो गया, आगे तो खिसक गया लेकिन है तो वहीं से चालू होना है, अनंत तक ही जाना है, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी।
तो हम बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उसके अनुसार जो कणों की संख्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा बोल सकते हो दबता जाएगा, और आगे बढ़ाओगे और तापमान बढ़ाओगे ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये वेग वितरण का नियम। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है इसका, यहाँ पे लिख रहा हूं ये चीज, जो एरिया है वो कुल कणों की संख्या को बताता है। ठीक है, तो ये तो था वेग वितरण की गैस के कणों का वेग। अब आगे आते हैं ऊर्जा वाले पद पे आते हैं कि गैस के कणों की कुल ऊर्जा कितनी है, किन किन पार्ट में वो डिवाइडेड है, तापमान पे कैसे डिपेंड करेगी या दाब पे कैसे निर्भर करेगी, आयतन पे कैसे निर्भर करेगी, उस चीज पे आते हैं। तो देखें ऊर्जा वितरण के नियम पे आते हैं। ये था वेग अभीर, अब ऊर्जा कि गैस के कणों की ऊर्जा किस तरह से होती है। ठीक है, ऊर्जा पे आए तो अगर हम गैस के कणों की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, पहले शुरुआत करते हैं पिछले वाले पार्ट से ही आगे बढ़ रहे कि गतिज ऊर्जा निकाल लेते, वेग पता था उससे गतिज ऊर्जा निकाल रहे, इसको केवल अभी बोलो रेखीय गतिज ऊर्जा। गैस के कण गति कर रहे हैं तो गति के कारण कितनी गतिज ऊर्जा है उनकी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे घूर्णन वाली ऊर्जा की भी बात करेंगे, कंपन की ऊर्जा की भी बात करेंगे। तो रेखीय गतिज ऊर्जा लिखनी है अगर मुझे, टी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या लिखोगे, पहले कण की गतिज ऊर्जा, दूसरे कण की गतिज ऊर्जा, तीसरे कण की गतिज ऊर्जा, जोड़ दूं सबको कुल गतिज ऊर्जा आ जाएगी। एम समान क्यों लिया है, हमने शुरुआत में अजम्पशन यही लिया था कि सारे कण एक जैसे ही हैं, तो द्रव्यमान तो समान है, वेग सबका अलग अलग हो सकता है, रेंडम मोशन लिया था, वेग सबका अलग अलग है। तो काइनेटिक एनर्जी कुल जो आ गई उसमें हाफ एम तो कॉमन आ गया, ये हो गया पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। ठीक, एन से ऊपर नीचे गुणा कर दो फिर से, एन मतलब कुल गैस के कणों की संख्या, क्यों किया, ताकि ये वर्ग माध्य रूट ले लोगे तो मूल बन जाएगा, एन कुल कणों की संख्या। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आ गई वो आ गई हाफ एन एम, सभी के कणों का वर्ग माध्य मूल, लेकिन उसका स्क्वायर है, इस वाले पद को ये लिख सकते हैं। एन इंटू एम क्या है, कुल कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान हो गया। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी टोटल हो गई हाफ कुल द्रव्यमान एम, कैपिटल एम, वी आर एम एस स्क्वायर, ये कुल गैस के कणों की गति जुड़ जाओगी। ठीक है, से आएंगे आगे, यहाँ पे देखोगे ये वेग जो है कुल गतिज ऊर्जा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वेग कौन सा आ रहा है, आरएमएस आ रहा है, इसलिए आरएमएस की हमें जरूरत पड़ती है। तो अब इस आरएमएस को पहले वाले जो रिजल्ट थे उनसे लिख देते हैं, पहले वाले कौन से रिजल्ट, कि वर्ग माध्य मूल वेग होता है रूट थ्री आर टी बाई मोलर द्रव्यमान एम नॉट, मोलर द्रव्यमान ये कुल द्रव्यमान वर्ग। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एक बटा दो, रूट के बाहर आ जाएगा स्क्वायर है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान एक मोल का द्रव्यमान, तो मोल संख्या आ जाएगी नंबर ऑफ मोल, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान नंबर ऑफ मोल एन, तीन है तीन, रूट के बाहर आ गया स्क्वायर किया था आर टी। तो रेखीय गतिज ऊर्जा आ गई थ्री बाय टू एन आर टी के बराबर, किस पे निर्भर कर गई, तापमान पे, गैस के कणों की संख्या पे, ये कुल रेखीय गतिज ऊर्जा आ गई थ्री बाई टू एन आर टी। चाहो तो एन आर टी को पीवी लिख दो, पीवी के पदों में लिखना चाहो, लेकिन ज्यादातर ऐसे लिखेंगे तापमान के पदों में। तो कुल रेखीय गतिज ऊर्जा गैस के कणों की थ्री बाई टू एन आर टी, कौन सा गैस के कण है, वैसे भी हो सकते हैं ऑक्सीजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, मतलब एकल परमाणविक भी हो सकता है, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, कैसे भी हो, सभी की कुल रेखीय गतिज ऊर्जा थ्री बाई टू एन आर टी। तो ये हमने रेखीय गतिज ऊर्जा निकाल ली, हम इसको यूज करते हुए कुल ऊर्जा निकालने की बात करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये रेखीय गतिज ऊर्जा, अब कुल गतिज ऊर्जा के लिए
आगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की कोटि की बात कर रहे हैं, फिर उससे कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आते हैं इस पार्ट के बाद। कुल ऊर्जा वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। एफ से रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि को। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेखीय, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट ऊर्जा किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकती है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले, स्वतंत्रता की कोटि कर बोल रहे। मतलब रेखीय गतिज ऊर्जा के लिए बोले तो हम बोल सकते हैं कि एक्स में अलग से इंडिपेंडेंट गतिज ऊर्जा है, वाई में अलग है, जेड में अलग है। एक्स वाली गतिज ऊर्जा को वाई से मतलब नहीं है, वाई वाली को जेड से मतलब नहीं है। ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, उसको डिवाइड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट पार्ट में। तो कोई भी कण हो उसकी एक्स में गति हो सकती है, वाई में हो सकती है, जेड में हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि x के अनुसार एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, y के अनुसार एक, z के अनुसार एक। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कण में रेखीय डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी, ट्रांसलेशनल के लिए देख रहा हूं, ये तीन होती है। कौन सा गैस का कण, एकल परमाणुविक, द्वि परमाणुविक, त्रि परमाणुविक, कोई सा भी, ये होता है। ये तो आगे रेखीय डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आती है रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम गुणन की स्वतंत्रता की कोटि। अगर एकल परमाणुविक ले, ये एकल परमाणुविक लिया, तो ये जो एकल परमाणुविक गैस का कण है इसके घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि हम नहीं लेते, है ही नहीं इसके, क्योंकि ये घूमेगा तो किसके अबाउट घूमेगा, ऐसे घूमेगा। एक छोटी सी बॉल है वो खुद ही अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, किधर भी घूम रही हो, जैसे खुद अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही होगी, कोई भी डायरेक्शन में घूम रही होगी, तो ओमेगा तो बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो जड़त्व आघूर्ण है आई, वो जीरो है, कण है और उसी से अक्ष गुजर रही है, इसे जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर जीरो, ये जीरो आ गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी नहीं है। एकल परमाणुविक, द्वि परमाणुविक, द्वि परमाणुविक है, एक अक्ष ले लो एक्स, एक ये ले लो वाई, बाहर क्यों ले लो जेड। अब इस द्वि परमाणुविक में क्या होगा, इसमें देखें कि कौन कौन सी अक्ष में घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि हो सकती है। तो अगर अपन इसको एक्स के सापेक्ष घुमा रहे हैं, द्वि परमाणुविक एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, इसको ऐसे घुमा रहे, ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे तो ये गुणन की अक्ष हो गई, जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर दो कण है, ये आ रहा एम आर स्क्वायर जीरो आ रहे ही नहीं, जीरो जड़त्व आघूर्ण। इसके सापेक्ष घुमा रहे, एक द्रव्यमान यहाँ पे, एक द्रव्यमान यहाँ पे, ऐसे घूम रहे, सर्किल में घूम रहे हैं, आर होगा तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण जीरो नहीं है। इसके अबाउट घुमाओगे, इसके अबाउट जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष घुमाने का मतलब जेड कौन सा है, बाहर की ओर, ऐसे घुमा रहे, इस तरह से घुमा रहे होंगे तो जड़त्व आघूर्ण जीरो नहीं है, तो आई जेड की वैल्यू नॉन जीरो। तो इसके सापेक्ष स्वतंत्रता की कोटि आएगी, इसके सापेक्ष आएगी, इसके सापेक्ष नहीं आएगी, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं दो। हो गई घूर्णन की। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम,
कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। इसके लिए एकल परमाणुविक अगर है तो ये कंपन किसी के सापेक्ष नहीं कर सकता, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि वाइब्रेशन होगी जीरो। द्विपरमाणुविक अब ये जुड़े हुए कंपन कर सकते हैं, तो इनके कंपन की स्वतंत्रता की कोटि होगी दो, लेकिन अधिक तापमान पे। तो ये स्वतंत्रता की कोटि हो गई अलग अलग, ठीक है, कि रेखीय हो गई, हर किसी के अंदर तीन एकल द्वि त्रिपरमाणु, गुणन की एकल के अंदर आती नहीं है, द्विपरमाणु के अंदर गुणन की डिग्री ऑफ फ्रीडम दो आती है, कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम एकल के लिए आती नहीं है, अधिक ताप होगा तो लेंगे द्वि के लिए दो, वरना नहीं लेनी है, ठीक है। यहां पे अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम एकल परमाणुविक के बारे में अगर टोटल देखें तो एकल परमाणुविक की रेखीय होगी तीन, पूर्णन होगी नहीं, अधिक तापमान पे ये भी नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं कि एकल परमाणुविक की कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई तीन, केवल तीन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एकल परमाणुविक के लिए है अपने पास तीन, ठीक। द्विपरमाणुविक के लिए ये तो होगी, रेखीय तो हर किसी के लिए आएंगी क्योंकि हर एक्स वाई एक्स वाई जेड में घूम सकती है, गैसों की बात करें ध्यान रखना, तो ये तीन ही आएंगी, गुणन द्विपरमाणुविक के लिए दो ही आएंगे, पांच हो गई। तो द्विपरमाणुविक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है पांच, उसको क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे आती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, और अगर अधिक तापमान है तो ये आ जाएंगी, ये वाइब्रेशन और जुड़ जाएंगी उसके अंदर ज्यादा तापमान हुआ तो तीन दो पांच और दो सात अधिक ताप पर। अब अधिक का मतलब तापमान अगर कर दिया 3000-4000 केल्विन इस तरह का तापमान कर दिया तब ये सात है, वरना पांच है द्विपरमाणुविक के लिए। तो ज्यादातर अपनी कैलकुलेशन में ये पांच काम में आएंगी, ये तीन काम में आएंगी, त्रिपरमाणुविक ज्यादातर अपने काम में आएंगे नहीं, द्विपरमाणुविक एकल और द्वि काम आएंगे, त्रिपरमाणुविक में पांच भी हो जाती है, छह भी हो जाती है, आठ है, नौ ये हो सकती है, क्योंकि ये केवल कुछ लिमिट के लिए हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं, बाद में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब अगर यहीं से हम ठोस की बात करें एक बार, वो भी एक एग्जांपल लेते हैं कि ठोस के अंदर, ये गैसों की थी, ठोस के अंदर क्या रेखीय डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, गैस के कण गति कर रहे होंगे, नहीं जीरो, घूर्णन गैस के कण घूमेंगे, नहीं होगा जीरो, तापमान के साथ साथ उसमें वाइब्रेशन आएगा, तो ठोस के अंदर ये नहीं है केवल वाइब्रेशन है, अब ये बोलोगे उच्च ताप पे होता है, गैसों के अंदर उच्च ताप में ठोस पे नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, मतलब ये मान सकते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये वाइब्रेशन रहेगा। तो ये दो थी द्विपरमाणुविक में, अब ठोसों में क्या होगा कि एक्स वाई जेड तीनों में वाइब्रेशन होगा, दो दो चार दो छः, तो हम ठोस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम छः काम में ले सकते हैं, कई बार यूज हो जाता है कि ठोस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी छः, एकल परमाणुविक द्विपरमाणुविक इनके लिए। तो ये आ गई अपनी स्वतंत्रता की कोटि, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है, ऊर्जा के लिए, हमें कुल ऊर्जा बतानी है गैस की कितनी है, तो हमने ऊर्जा को डिवाइड किया है अभी अलग अलग पार्ट में। तो वापस ऊर्जा पे आते हैं, तो जरा रेखीय गतिज ऊर्जा को दोबारा याद करो कितनी थी, रेखीय गतिज ऊर्जा गैस की, तो रेखीय गतिज ऊर्जा थी 3/2 nRT, ये रेखीय गतिज ऊर्जा थी एकल परमाणु एक द्विपरमाणु कोई भी हो रेखीय गतिज ऊर्जा ये है गैस की। अब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी आ गई, रेखीय हर किसी के अंदर तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार तीन, तो एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कुल ऊर्जा
एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कुल ऊर्जा क्या बोल सकते हैं, ये थी तीन के लिए, तो एक के लिए क्या करोगे डिवाइड बाय थ्री, तो वन बाय टू एन आर टी। तो ये आ गई एकल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री एक संताई कोटि के लिए ऊर्जा गैस की। देखिए गतिज ऊर्जा नहीं, कोई सी भी बोल सकते हैं, कुल एक डिग्री के लिए ये, ठीक है। अभी बोलना है कि जैसे एकल परमाणविक में रेखे गतिज ऊर्जा कितनी है, तो रेखे के लिए तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक के लिए, तो तीन बटा दो एनआरटी। द्वि परमाणविक में रेखीय के लिए, रेखीय के लिए कुल ऊर्जा कितनी है, तो ये एक डिग्री के लिए तीन रेखीय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो तीन बटा दो एनआरटी। द्वि परमाणविक में घूर्णन की कुल ऊर्जा कितनी है, घूर्णन डिग्री ऑफ फ्रीडम दो, ये एक डिग्री के लिए, दो के लिए दो बटा दो एनआरटी, ठीक है। एकल परमाणविक में घूर्णन की गतिज ऊर्जा कितनी है, घूर्णन में डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो, जीरो, ठीक। तो इसको कंपेयर करते हुए अब कुल ऊर्जा की हम बात कर सकते हैं। तो कुल ऊर्जा जिसको अपन आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा U, F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, अब कुछ भी हो सकता है, एकल द्वि त्रि ठोस कोई सा भी हो, तो उसमें कुल ऊर्जा हम बोल सकते हैं F बाय टू एन आर। तो ये हमारे लिए एक रिलेशन आ गया मेन, ठीक है, ऊर्जा के लिए। इनसे सभी से फाइनल रिजल्ट ये आ गया कि किसी भी गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा वो थी एफ बाई टू एन आर टी, एफ की वैल्यू रखो कुल ऊर्जा आती जाएगी। तो अब हम बोलें एक एकल परमाणविक की, कि कुल आंतरिक ऊर्जा, तो एकल परमाणविक की कुल आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी एफ की जगह तीन, द्वि परमाणविक की डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली पांच लेंगे, नॉर्मल तापमान की बात कर रहे हैं, तो पांच बटा दो एनआरटी, अधिक ताप है हजारों में पहुंचा दिया, तो अधिक ताप पे ही आ जाएगा सात डिग्री ऑफ फ्रीडम, सात बटा दो एनआरटी। और अगर त्रि परमाणविक में बता दी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो उससे गुणा कर देना। ठोस में एक बार देखो, ठोस में डिग्री ऑफ फ्रीडम छह बट्टा दो एनआरटी, मतलब तीन एनआरटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ठोस के अंदर द्वि परमाणविक एकल परमाणविक के अंदर हम ऊर्जाएं बोल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये अपना आ गया ऊर्जा वितरण का नियम, ऊर्जा जो हमने डिवाइड की है गैस के पास। अब इसके बाद इसे हम देखते हैं मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ। कि गैस के कणों का जब गति कर रहे होते हैं, तो उनका जो पथ है वो औसत मुक्त रूप से कितने पथ के लिए गति कर रहे हैं। कि गैस का कण गति किया, यहाँ से आ गया, फिर टकराया किसी से, इधर घूम गया, फिर ये इधर गया टकरा के, इधर गया, फिर मान लो इधर चला गया, फिर इधर चला गया, इस तरह से टकरा के कण गति कर रहा है गैस का। तो इसका जो पथ है, अब टक्कर में जरूरी थोड़ी है कि ये पथ ये पथ ये पथ बराबर हो, अलग अलग पथ है, तो उनका हम औसत की बात करें। तो अगर ये वाला पथ लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है, लैम्डा थ्री है, फोर है, फाइव है, ऐसे जितने भी, ठीक है। तो औसत मीन फ्री पाथ कितना जाएगा, लैम्डा बराबर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री डिवाइड बाय कितने हमने टक्करे लिए है, वो है नंबर ऑफ एटम नहीं है एन, जितनी बार टक्कर होगी या जितने बार ये पथ काउंट करें। तो ये मीन फ्री पाथ हुआ इसका, ठीक है। अब ये मीन फ्री पाथ हम याद रखेंगे, आगे जो रिजल्ट आएगा वो, उसको समझने के लिए कुछ ऐसे हम मान सकते हैं कि ये गैस के सारे कण रोक दिए, ये गैस का कण गति करता हुआ जा रहा है,
जब तक इसके सामने कोई दूसरा कण नहीं आएगा टकराने के लिए, तब तक ये फ्री गति करेगा। ठीक है, मुक्त पथ में हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी सभी को रुका हुआ मान रहे हैं अभी के लिए, समझने के पर्पज से। और यहां पर कोई दूसरा कण हो, टकराया नहीं निकल गया, यहां पे कोई दूसरा कण हो, टकराया नहीं निकल गया, तो अगर इसका डायमीटर डी है, ठीक है, तो इसके लिए मुक्त पथ जो आया इनके सेंटर से लाइन खींच रहा हूं, ये जो इतना हिस्सा है ये इसके लिए मुक्त पथ की जैसे, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये डी था, ये इसकी त्रिज्या मिला के एक और व्यास हो गया, 2D के बराबर हो गया, ठीक है, और ये लंबाई L हो गई, ये लैम्डा बोल दो, मुक्त पथ कैलकुलेट करना है ना, हमें बोला कि यहां से यहां तक बिना टकराया गया तो ये पथ है मुक्त, ये 2D, तो ये एक सिलेंडर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कण है इसके लिए जो आयतन है मुक्त आयतन, वो आयतन अगर हम बोले स्मॉल वी से बता रहा हूं इसको, तो ये मुक्त आयतन जो हो गया इसके लिए वो हो गया कुछ पाई आर स्क्वायर इनटू एल, पाई रेडियस कितनी हो गई, व्यास 2D है, डी बाय लैम्डा। अब ये वी क्या है, इस कण के लिए आयतन जो मुक्त आयतन था, सभी कणों के लिए मिला के टोटल आयतन, पात्र का टोटल आयतन वी, क्या बोल सकता हूं, कुल कण कितने हैं, एक के लिए मुक्त आयतन कितना, औसत की बात कर रहा हूं यहां पे, इसलिए औसत आयतन उन्होंने लिख दिया, तो स्मॉल वी रख दो एन पाई डी स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, मुक्त पथ चाहिए था अपन को, वी बाय एन पाई डी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहां पे हमने अजम्पशन लिया था कि ये रुका हुआ है, बाकी रुके हुए हैं, केवल ये गति कर रहा है, तो यहां से यहां तक का हिस्सा इसके लिए है, ये मुक्त पथ है, ये आ रहा है लेकिन यहां से टकराया नहीं इनसे, ये पास होता हुआ निकल गया, तो इतना मुक्त पथ है, लेकिन ये हमने केवल समझने के हिसाब से लिया है, कई सारी चीजें इसमें हमने अज्यूम की है इसलिए ये आया है। एक्चुअल जो रिजल्ट है मुक्त पथ का वो आ जाता है, ये कहिए ये बस न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई हो रही है, रूट टू पाई डी स्क्वायर एन, तो ये गैस के कणों का मुक्त पथ आ गया, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है वी कुल आयतन है बटा रूट पाई डी स्क्वायर एन, एन क्या है कुल गैस के कणों की संख्या, वी क्या है गैस का कुल आयतन, ठीक, तो ये मुक्त पथ आ गया। इसको हम तापमान के पदों में भी लिख सकते हैं, दाब वी को लिख दो आदर्श गैस से, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर वी को क्या लिख दिया, एन आर टी बाय पी बाय रूट टू पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल कुल अणुओं की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल को मैं क्या बोल सकता हूं, कुल अणुओं की संख्या बटा एवोगैड्रो नंबर एन, स्मॉल एन, कुल अणुओं की संख्या बटा एवोगैड्रो नंबर से बोल सकता हूं, या स्मॉल एन को कैपिटल एन को क्या लिख सकता हूं, एन इंटू एन ए, तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू हो गई एन, या एन बाय एन ए की वैल्यू निकालो, एन बाय एन इक्वल्स टू वन बाय एन ए बाय ए वन बाय एन ए, तो लैम्डा की जगह आ गया आर टी बाय रूट टू पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय एन, ये वैल्यू। अब आर बाय एन ए इसको भी हम एक कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगर याद हो तो के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²⁰ ये वैल्यू आ जाती है, इकाई क्या रहेगी, जूल पर केल्विन, इसकी इंडा। अब इसके पदों में लिख दिया, के पदों में, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई के टी बाय रूट टू पाई डी स्क्वायर इंटू पी दाब, तो ये गैस के कणों का मुक्त पथ आ गया, ठीक है, तो
तो चाहो तो आयतन के पदों में या तापमान के पदों में लिख सकते हैं। याद रखने के लिए कोई लंबी जोड़ी कैलकुलेशन नहीं, बस ये रूट टू वाला पद थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुल आयतन V, ठीक है। अब कुल आयतन N कणों के हिस्से में आ रहा है और एक कण कितना का आयतन घेर रहा होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर के बजाय डायमीटर वाला पद ले लेना, इंटू एक कण के लिए कितना लंबाई है, इस तरह से सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो लैम्डा बराबर वी बाय एन पाई आर स्क्वायर, डायमेंशनली बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए त्रिज्या को लिख दिया डायमीटर के टर्म में और रूट टू यहाँ पे आ जाता है साथ में एक्स्ट्रा, तो इसका मुक्त पथ यहाँ पे आ गया। अब बाकी रहते हैं इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थ्योरेटिकल पार्ट अपना लगभग कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे इसमें, ठीक है।